हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निकमर। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइज, शुरू करेंगे आज की वीडियो को। कल जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे उनके साथ में, गाइज कल मैंने आपको ये लेवल दिया था 35,530 के नीचे आपको कहाँ तक बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। कल सुबह से मैं, जैसे मार्केट ओपन हो गया था तब से मैं बोल रहा था कि सी साइड में रिस्क है, सी साइड में रिस्क है। वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स थे बैंक निफ्टी गिरने के। इस हिसाब से गाइज मैंने मॉर्निंग में आपको कॉल भी दी थी जो काफ़ी अच्छी चली थी। उसमें लगभग 140 145 पॉइंट्स हमें पी साइड में मिले थे जो कि एक ही अच्छी कॉल बनी थी पूरे पूरे दिन भर में। बाकी मार्केट जो था वो कंप्लीट साइडवेज था। तो गाइज इसके मुताबिक देखिए, मैंने आपको लेवल दिया था 35,471, 35,401, 35,349। इस लेवल पे भी जब आया तब मैंने आपको कहा था कि इसका फोर्स अभी भी बाकी है, ये और ज़्यादा गिर सकता है। 35,262 का लेवल जाने के बाद में गाइज ये ऑलमोस्ट 35,160 170 के लेवल से भी नीचे गया था वो। तो ये थे गाइज बैंक निफ्टी के लेवल। इसमें काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी जो थी, देखिए इसी लेवल्स को, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी बैंक निफ्टी गिर रही होती है तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे, और गिरने के बाद अगर ऊपर जा रही है तो यही लेवल्स आपके लिए रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस हिसाब से मैंने आपको इस लेवल पर भी एक कॉल दिया था। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्यूचर का चार्ट है, तो मैंने आपको स्पॉट का लेवल दिया था, लेकिन आपको ये स्पॉट का लेवल दे करके रखा था मैंने कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, जो कि था 35,133 का स्पॉट पे लेवल दिया था मैंने आपको। और देखिए गाइज, इसने एक आराम से आपको फर्स्ट टारगेट जो है बस दो कैंडल में दे दिया था। ये कैंडल का टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया था। तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग वाली एक कॉल बनी थी और ये आफ्टरनून वाली एक कॉल बनी थी, उसके बाद में मेरे हिसाब से तो इसमें कोई कॉल नहीं बनी थी गाइज, एक अच्छे वाली, अच्छे मोमेंटम वाली। उसके बाद में गाइज मैंने आपको निफ्टी के भी कुछ लेवल्स दिए थे, तो निफ्टी मैंने आपको कहा था 15,770 के नीचे आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये कैंडल जो थी ये हैमर कैंडल बनी थी, इसके बाद में मैंने आपको टारगेट दिए थे 15,756, 15,741, 15,728 और 15,707। देखिए कहाँ से निफ्टी रिवर्स हुई है, बिल्कुल इसी लेवल से वो रिवर्स हुई है। अब जब ये रिवर्स हो गई है तो अपॉन रिवर्सल पैटर्न यू कैन ट्रेड कंसिडरिंग दिस एज योर रेजिस्टेंस पॉइंट्स। तो देखिए फिर से ये रेजिस्टेंस लेते लेते नीचे से एक बार ऊपर से नीचे टारगेट दिया था, फिर उसके बाद में नीचे से ऊपर तक आपको निफ्टी में टारगेट मिला है, वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा जो है वो टारगेट रहा था। उसके बाद में गए, जब भी हम लोग देखेंगे कि जो कल मैंने आपको कॉल्स दिए थे उनके लेवल्स क्या रहे, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो गए जो मैंने आपको पहली कॉल दी थी वो थी एलटी की। एलटी में गाइज मैंने आपको बाय करने को कहा था 1,563 के ऊपर, 1,569, 1,576 और 1,583 मैंने आपको अपसाइड में लेवल्स दिए थे। देखिए गाइज ये कहाँ से रिवर्स हुआ है, एग्जैक्टली उसी लेवल से जो मैंने आपको दिया था। इसलिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाहिए। बाद में गाइज देखिए, मार्केट बंद होते होते 1,554 के नीचे इसको सेल करना था और 1,546 इसका मैंने आपको डाउनसाइड में टारगेट दिया था। देखिए गाइस, इसने बाय में भी 3 टारगेट्स दिए थे, सेल में भी 3 टारगेट्स दिए थे, दोनों साइड में अच्छा खासा जो है इसने आपको मोमेंटम जो है दे दिया। उसके बाद में गाइस मैंने आपको जो दूसरा कॉल दिया था वो दिया था एचडीएफसी लाइफ का। एचडीएफसी लाइफ आपको 682 के ऊपर बाय करना था, ये था इसका स्टॉप लॉस, जिसके आसपास भी ये नहीं आया था पूरे दिन भर तक। 684, 686, 689 इसका मैंने टारगेट दिया था स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे, 691.90 पे जाकर के इसने एकदम बुलिश वाला क्लोजिंग दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा और शानदार कॉल था। आज आप लोगों ने देखा होगा कि इंडेक्स जो थे वो पूरे साइडवेज थे, फिर भी गाइज देखिए कल आज दोनों टाइम जो मैं यहाँ पे कॉल जो दे रहा हूँ वो बेस्ट टू बेस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं। उसके बाद में गाइज मैंने आपको कोटक बैंक दिया था 1,811 के नीचे सेल करने को आपको लगाया था, 1,807, 1,804, 1,800 के नीचे तक ये आया था, आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रखना था। जैसे कि मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ आपको कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रख लीजिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी जो आपके लिए बने रहे। तो देखिए गाइज इसने क्लोजिंग दिया है 1,792 पे, काफ़ी बियरिश क्लोजिंग दिया है इसने, और 1,811 से 1,792 काफ़ी शानदार मूवमेंट दिया था इसने डाउन साइड में। इसलिए गाइज मैं कहता हूँ कि सेल्फ एनालिसिस पे ट्रेडिंग करना
इसीलिए बेहतरीन होता है क्योंकि आप लोगों को लेवल्स पता होते हैं। लेवल टू लेवल आप टारगेट्स ले सकते हो, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो। लेवल्स के साथ ट्रेड करने में जो कॉन्फिडेंस होता है गाइज, वो दूसरी चीज़ों में नहीं आता है, वो आपको इंडिकेटर्स भी में नहीं आता है। मैं भी इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ लेकिन सिर्फ ट्रेड कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ कि जो भी मैंने कॉल लिया हुआ है, जो भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है, क्या वो इंडिकेटर सेम इंडिकेट कर रहा है क्या। सिर्फ इस चीज़ के लिए देखता हूँ, वरना मैं प्राइस एक्शन और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में भरोसा रखता हूँ। अभी गाइज हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए जो मेरे स्टॉक्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे। उससे पहले अगर गाइज आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ उनके अपडेट्स आपको मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। उसके साथ में कुछ एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बेस्ड भी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ, उनके भी अपडेट जो है वो आप लोगों को मिल सके। डेफिनेटली आप लोगों में क्यूरियोसिटी होगी गाइस कि मैं कॉल्स किस बेसिस पे निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं कई सारे वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। गाइस ये है डे 51, यानी कि एपिसोड नंबर 51 है। 50 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है, 100% की एक्यूरेसी। साथ में गाइस सारे के सारे कॉल जो है वो ब्लास्टिंग वाले कॉल्स है, 1-2 रुपये मूवमेंट यहाँ वहाँ करने वाले कॉल्स यहाँ पर नहीं देता हूँ मैं। देखिए गाइज मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, अभी बजे है 4:15। मैं 1.25 घंटा इस पर सिर्फ 3 स्टॉक्स पे एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो हर एक वीडियो मैं अपनी जान डाल के बनाता हूँ, पूरी मेहनत के साथ मैं बनाता हूँ, इसलिए उनकी एक्यूरेसी जो होती है अच्छी होती है। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे आपको और अगर उससे कुछ प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो लाइक करना मत भूलिए गाइज। साथ में अगर आप लोग एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे मैं अपने बेहतरीन जो इंट्राडे के कॉल्स होते हैं, चाहे वो ऑप्शन में हो, फ्यूचर में या फिर कैश में, वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। उसकी भी जाकर के एक बार एक्यूरेसी चेक कर लीजिए, पिछले 1 साल भर की आपको ऑलमोस्ट 98-99% की एक्यूरेसी वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी गाइस। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए मेरे कॉल कौन से रहेंगे। इंडिगो का कॉल मेरा पहला कॉल रहेगा गाइज, 1788 के ऊपर हम लोग इसे बाई करेंगे 1776 के स्टॉप लॉस के साथ में, 1791, 1796, 1800 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। लेवल्स टू लेवल्स ट्रेडिंग कीजिए गाइस, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कीजिए। अगर इसमें बाई में कोई एंट्री नहीं आती तो 1776 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं 1788 के स्टॉप लॉस के साथ में, स्टॉप लॉस भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होगा 1772, 1769 और 1765 इसके डाउनसाइड में टारगेट्स रहेंगे। उसके बाद में गाइस जो सेकंड कॉल रहेगी मेरी वो रहेगी कमिंस इंडिया की। कमिंस इंडिया को आप लोग 821 के ऊपर बाई कर सकते हैं, 824, 826, 829 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 813 का। अगर इसमें बाई की कोई एंट्री नहीं आती है तो 813 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं 821 के स्टॉप लॉस के साथ में, 811, 809, 807 इसके डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। अगेन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रख लीजिए, अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, मिनिमम प्रॉफिट में आप लोग निकल जाओगे। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बने रहेंगे। उसके बाद में जो थर्ड कॉल रहेगा वो रहेगा ग्रासिम का गाइस। ग्रासिम आप लोग 1509 के ऊपर बाई कर सकते हैं, 1511, 1514, 1516 आपका अपसाइड में टारगेट रहेगा, 1498 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस बाई में एंट्री नहीं आती है तो आप लोग 1498 के नीचे सेल कर सकते हो, 1509 स्टॉप लॉस रहेगा, 1493, 1490, 1485 आपके डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए, सारे ट्रेडिंग कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे करने हैं आप लोगों को गाइस। गाइस अभी हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे। निफ्टी गाइस 15,770 के ऊपर बुलिश हो जाएगी, 15,788, 15,807, 15,827 और 15,855 ये इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इनकेस अपसाइड में मोमेंटम नहीं आता है, डाउनसाइड में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी है तो वो मिलेगी 15,730 के नीचे। अगेन गाइस ये लेवल जो है, ये लेवल्स जो है कट टू कट मैं जो दे रहा हूँ, ये जो बिगिनर्स है ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये है नो ट्रेड जोन। बाकी सारी चीज़ें जिनको प्राइस एक्शन पता है उनके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। आप लोग कहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो इन लाइन के बेसिस पे।
तो जो लोग न्यू कमर्स हैं ऑप्शंस में ज़्यादा जानते नहीं है उनके लिए 15,730 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हो फ्यूचर में, या फिर इसकी पीई बाई कर सकते हो 15,698, 15,680 और 15,656 डाउन साइड में निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। गाइज ये सारे लेवल्स मैं आपको रोज फ्यूचर के चार्ट्स पे देता हूँ, ये स्पॉट का चार्ट नहीं है, तो इसको स्पॉट के चार्ट्स पे अप्लाई मत कीजिए। इसके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेवल्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। आप लोग भी फ्यूचर का चार्ट रेफर कीजिए ताकि ये लेवल जो है वो मेरे लेवल्स के साथ में सेम टू सेम मैच हो जाए। गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स क्या रहेंगे कल के दिन के लिए। 35,370 के ऊपर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, 35,413, 35,457, 35,503 और 35,565 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे कल के दिन के लिए। अगर इन केस इसमें बाइंग नहीं आती है और फ्यूचर पे सेलिंग आती है यानी कि पीई में बाइंग आती है तो 35,200 के नीचे हम लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर को। 35,157, 35,104 और 35,982 जो है हमारे डाउन साइड में इसके लेवल्स रहेंगे। तो गाइज मैंने आपको अपने बेहतरीन 3 कॉल दिए हैं इंट्राडे के लिए, इनकी एक्यूरेसी क्या है आप लोग देख चुके हो, 100% की एक्यूरेसी है। ये एपिसोड नंबर 51 है, 50 तक कोई लॉस नहीं है। तो ये मैंने अपने बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे एनालाइज्ड कॉल दिए हैं, सारे ट्रेंड लाइंस आपको रोज की तरह रिक्वेस्ट करूँगा अपने चार्ट्स पे भी ड्रॉ कर लीजिए ताकि अगर इसमें कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई चेंजेस आ रहे तो आपको उनको कैच करने में आसानी हो सके। साथ में गाइज मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी दिए हैं, इनके साथ में कल ट्रेड कीजिए, सेफली ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।